सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जिया खान की मॉम राबिया खान का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत की लवर रिया और जिया खान का लवर सूरज पंचोली दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। क्या कहा है राबिया ने अपनी इस पोस्ट में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि जिस तरह से मेरी बेटी जिया खान को मारा गया, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को भी मारा गया। झूठा प्यार दिखाया गया, अटेंशन लेने के लिए अफेक्शन दिखाया गया, दोनों के इर्द गिर्द उसी तरीके से जाल बुना गया और जाल में फंसाया गया। जब वो इस जाल में फंस गए तो फिर उन्हें इमोशनली अब्यूज किया गया। दोनों को ही प्यार में फंसाया गया उनके पैसों के लिए, और दोनों को ही अपनी अपनी फैमिली से अलग किया गया। राबिया खान का कहना है कि जिया खान को भी सूरज पंचोली ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर सबसे पहले जिया को उनकी फैमिली से दूर किया था और उसका पैसा इस्तेमाल किया था। और दोनों ही केस में ये बताया गया कि मेंटली डिप्रेस्ड थे, पैसा नहीं था, काम का टेंशन था, कुछ इस तरह की बातें दोनों के लिए कही गई। जिस तरह से जिया खान को सूरज पंचोली कंट्रोल करता था, डोमिनेट करता था, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है। रिया ने उन्हें डोमिनेट किया, उन्हें कंट्रोल किया और उन्हें अपनी फैमिली से आइसोलेट किया, और फिर जब कंडीशन बिगड़ी तो फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया सुसाइड करने के लिए। राबिया खान ने अपनी इस पोस्ट में पुलिस को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस के ऊपर ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है जिस कारण वो सच्चाई को सामने नहीं ला सकती है। यही कारण है कि पुलिस सच्चाई बाहर लाने की जगह एविडेंसेस को क्लीन और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और ये बताने की कोशिश करती है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सुसाइड है। ऐसा ही जिया के केस में हुआ और सेम अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हो रहा है। और इसके बाद पुलिस मदद लेती है कुछ बॉलीवुड माफियाज की, कुछ अपने खरीदे हुए मीडियाज की, जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाता है और इन स्टोरीज को सच बताने के लिए बॉलीवुड माफिया से कुछ लोगों को चुना जाता है जो इन चैनल्स पर आकर बात करते हैं उनके डिप्रेशन के बारे में और एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरह से डिप्रेशन जो है वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने महेश भट्ट का नाम लिया है। तो राबिया खान ने इस पोस्ट से ये जाहिर करने की कोशिश की है कि अब जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं तो वो अपनी बेटी जिया खान के केस से कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि उनके केस में भी ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस जानते हुए भी कुछ करना नहीं चाहती थी और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, सच्चाई को सामने आने से रोका गया, पॉलिटिकल प्रेशर रहा, बॉलीवुड माफियाज रहे और मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। ये पूरी कहानी उन्हें कनेक्ट करती है अपने बेटी की कहानी की, और वो कहती है कि वाकई में इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए। आपको बता दें कि जिया खान पर अभी भी सीबीआई की जांच जारी है। सूरज पंचोली जेल जा चुके हैं, वो बेल पर बाहर है, और अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सीबीआई की डिमांड जोरों पर है।